ओके जी, अब हमारे पास एमएस एक्सेल शीटों का काम, हमारे पास जो हमारे शॉप्स होते हैं, छोटे छोटे शॉप हो गए, तो उनपे भी यूज होता है। या अभी तो चलो हर कोई कोई ना कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवा रहा है, लेकिन अगर उसको स्किल नहीं है तो फ्री में वो एमएस एक्सेल के शीट्स वगैरह डेकोरेट करके या उनपे फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करके उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिनेरियो हमने सेट किया है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर को, ठीक है, कितनी शॉपिंग पे क्या डिस्काउंट देना है, वो हमने कुछ सिनेरियो बनाया हुआ है, उसकी बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी को भी डिस्काउंट देना है, किसी भी कस्टमर को, तो हमने कुछ रेंज सिलेक्ट की हुई है कि अगर कोई कस्टमर हमारे शॉप से 10,000 से लेकर 20,000 तक की चीजें खरीदता है तो हम उसको कितना डिस्काउंट देंगे, 2,000 का। सही है, वही कस्टमर अगर 5,000 से लेके कहां तक, 9,999 तक अगर कोई चीजें खरीदता है तो उससे 1,000 का डिस्काउंट हम उसको जो है प्रोवाइड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला हम लगा देते हैं इफ का, जिसके थ्रू ही हमारी हो जाएगी। इफ हमें क्या करना है कि इस सेल के अंदर जो भी हमारा क्या करेगा कस्टमर खरीदेगा वो हम लिख देंगे। अभी मैंने डमी वैल्यू कितनी लिख दी है, 12,000। ऐसे ही है कि इस सेल के अंदर जो भी कस्टमर की खरीदी हुई अमाउंट है वो हम देंगे, फिर उसको कितना अमाउंट देना है वो मालूम करने के लिए हमारे पास रिजल्ट यहां आने वाली है। सही है कि अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 10,000 के, कौन सा क्लियर हो गया कि इस सेल के अंदर जो भी शॉपिंग बंदा करता है अगर वो 10,000 के बराबर है या 10,000 से बड़ी है तो हमारे पास उसको कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए 2,000 का। इसका मकसद इसी वैल्यू से माइनस कर लेंगे हम 2,000 रुपए। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि जैसे अभी उसके 12,000 की शॉपिंग उसने की है तो उसी से कितने काट लेंगे हम, 2,000 काट लेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना कि ये B4 के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000। अब 10,000 के बराबर तो नहीं है लेकिन 10,000 से बड़ी तो है ना वैल्यू, तो उसको 2,000 माइनस करके उसका जो भी अमाउंट बचेगा वो पे कर देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह से मैंने कॉमा लगानी है। अब नेस्टेड इफ, यानी अगर इस तरह की वैल्यू नहीं है या 10,000 से वैल्यू बड़ी नहीं है, छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं चेक करूंगा। सही है, फिर से मैंने इफ का फंक्शन लिखा और इसको बोला कि अगर इसी सेल की वैल्यू कल को क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है 10,000 के। सही है, अब लेस देन 10,000 मैंने इक्वल नहीं लिखा, तो इसका मकसद अगर वैल्यू 9,999 रुपए से नीचे हुई, सही है, तो उसको क्या दे देना है बेटा, उसको दे देना है हमारे पास, उसको डिस्काउंट देना है कि इससे माइनस कर ले कितने, 1,000। ये रखा है ना। अब एक चीज और है, अगर वो बंदा 5,000 से कुछ कम खरीदता है तो फिर उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना, उसको फिर पूरी पेमेंट देनी है, ये भी है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अभी तो चलो इसको डिस्काउंट मिल गया, हम इसको कवर नहीं करेंगे, कॉमा देंगे और फिर से इस कंडीशन लिखेंगे। अब तीसरी कंडीशन है ना कि अगर उस बंदे ने शॉपिंग कितनी लेस देन की है, किसके, 5,000 के। ऐसे ही है कि अगर उस बंदे ने 5,000 से कुछ कम खरीदा, 5,000 के बराबर भी खरीदेगा तो उसको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा है ना, लेकिन 5,000 से 1 रुपया भी अगर उसने कम की शॉपिंग की है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा है ना। तो यहां पे हम बता देंगे कि इस सेल की वैल्यू फिर हमारी माइनस होगी 0, बस यहां बस लिख दो यही पूरी वैल्यू उसको देंगे। कौन से क्लियर है, सेट है, मैं इसको कवर करता हूं तकरीबन जो भी कंडीशन से, ओके कर देते हैं। तो अब 12,000 की इस बंदे ने शॉपिंग की है, इसको अमाउंट कितना पे करना है, 10,000।
अब फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने शॉपिंग कर ली 5,000 की, तो इसको कितना देना है? 4,000 रुपए, सही है। और फॉर एग्जाम्पल इसने शॉपिंग कर ली 7,000 की, फिर भी इसको कितने देने हैं? 6,000। सपोज इसने शॉपिंग कर ली 19,000 की, तो फिर भी इसको क्या देना है? 17,000, 2,000 उसके माइनस हो गए। हाँ, 20,000 से ऊपर के जो भी डिस्काउंट है वो भी यहाँ पे कंडीशन के अंदर रख सकते हैं, मैंने सिर्फ 20,000 तक का रेंज रखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, मैंने कहा था कि अगर 4,000 की भी अगर ये चीजें खरीदता है तो उसको, अच्छा अब यहाँ पे हाँ कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, कहाँ पे? यहाँ पे, कि हमने इसको बोला था कि लेस देन हो, तो ये वाली ट्री हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। वो बाद की कंडीशन को चेक भी नहीं कर रहा, ये भी मसला है। हमें आ रहा, तो मैं एक काम करूंगा, यहां पे आके एंड ऑपरेटर रखूंगा। क्या एंड? कि हमारी ये जो वैल्यू है 10,000 से छोटी हो, 10,000 से छोटी हो एंड, और मैं यहां पे कॉमा देके फिर से एक और लॉजिक डिफाइन करूंगा। कौन सी? कि यही वैल्यू क्या हो? यही वैल्यू 10,000 से छोटी तो हो, लेकिन हमारी किससे बड़ी हो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,000 भी हो। तो मैं आ गया, यानी रेंज दे दी मैंने उसको, कहां से लेकर 9,999 से लेकर 5,000 तक। अब चले आउटपुट देखें, फिर मैं समझाता हूं। कवर करते हैं, यहां आते हैं, अब उसको कितने देने? 4,000 ही देने ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां पे आगे बताता हूं कि आपको, आपने खरीद लिया सपोज 5,000 की शॉपिंग कर ली, तो अब आपको कितने दिन है? 4,000, है ना। सपोज इसने 1,000 की शॉपिंग कर ली, तो फिर इसको पूरा 1,000 ही देंगे। लॉजिक समझ में आ रही है? मैं फार्मूला समझा देता हूं। देखिए बेटा, यहां पे मैंने एंड लगाया, मैं समझा रहा हूं मैंने क्यों लिखा है। देखिये एंड में ना मैंने दो रेंजेस बता दिए। पहले मैं सिर्फ बता रहा था अगर 10,000 से कम खरीद रहा है वो बंदा, अगर वो 10,000 से कम खरीद रहा है तो सब पे माइनस कर दो, यानी 4,000 भी खरीद रहा था तो उस पे 3,000 पे करना था, ऐसे था ना, यानी 4,000 की भी शॉपिंग कर रहा था तो उसको 3,000 पे करने पड़ रहे थे, सही। यानी जो लास्ट में हमने ये वाली लिखी थी ना, इसको ये चेक भी नहीं कर रहा, ये पहले ही कंडीशन यही ट्रू हो रही थी, है ना, कि B4 की वैल्यू लेस देन 10,000 आ गई थी ना, है ना। अब मैंने उसको ये नहीं कहा, उसको मैंने दो तरीके से चेक करवाया कि भाई आपने ये चेक करना है कि बेशक अगर, सपोज यहां से समझा देता हूं, अगर वैल्यू 10,000 से बड़ी है या बराबर है तो क्या दो? डिस्काउंट दो 2,000 का, सही। वरना क्या करो, फिर से चेक करो कि अगर आपके उसी सेल के अंदर वैल्यू 10,000 से छोटी है, और दूसरी कंडीशन क्या, 5,000 के बराबर या उससे नीचे, यानी समझ लें इस रेंज में हो, यानी 5,000 से 10,000 के रेंज में होगी, तभी उसकी क्या है डिस्काउंट 1,000 है, वरना आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कौन से क्लियर है? ये सिंपल सी लॉजिक है, आप रेंजेस बता सकते हैं डिफरेंट। जैसे मैंने यहां पे रखा है ना, सिर्फ समझ लें कि हमारे पास 20,000 एंड नहीं यूज करते तो फिर रेंजेस में काम नहीं होता। अच्छा, जो नीचे ऊपर, हाँ फिर मसले हैं। कौन से क्लियर हो गया? ठीक है, तो एंड इसीलिए होता है कि दो तरह की रेंजेस दी जाए, कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, फिर हम उसको यूज कर लेते, और एंड नहीं देते तो डिफरेंट नेस्टेड देते जाते आप, और इफ कंडीशंस बढ़ते जाते, कौन से क्लियर, उससे भी हो जाता विदाउट एंड के भी। चले जी, ये था हमारे पास हाउ टू गिव अ डिस्काउंट टू अ स्पेसिफिक कस्टमर, जो आपका किसी भी शॉप पे आके शॉपिंग करता है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेंजेस यू कैन प्रोवाइड डिस्काउंट टू योर कस्टमर, ठीक है जी।